हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं पूजा हैलो एवरीवानपुर हूँ क्रांति तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार में और सभी को वेरी गुड मॉर्निंग जय हिंद नमस्ते राम राम जैसे कृष्णा राधे राधे कैसे आप लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए क्लास जल्दी से क्लास में आ जाओ शुरू हो चुकी है कोई लेट वेट नहीं है है ना बस क्लास में आ जाइए आप लोग फिर जो है हम बढ़िया से तरीके से जो है आपकी चीजें पढ़ते हैं तो अब कुछ बच्चे जो कि बहुत ज्यादा तेज बच्चे हैं वो कह रहे होंगे कि यहाँ पे ज्योग्राफी लिखा था आर्ट एंड कल्चर कैसे आ गया तो ये ऐसे ही आ जाता है आ गया है ना हम आज आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं फिर जो है हम ज्योग्राफी भी देखेंगे ज्योग्राफी को मैं थोड़ा आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से कराना चाहती हूँ तो वो जो चीजें हम उनको अच्छे से कर लेंगे तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप जल्दी से अपनी क्लास में जो है आ जाइए क्लास आपकी शुरू हो चुकी है बिल्कुल क्लास को अच्छे तरीके से शेयर भी कर दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं बहुत खराब है मैम क्यों क्या हो गया सैटरडे संडे क्लास नहीं ली थी क्या नहीं क्लास नहीं हुई थी सैटरडे तो आई थिंक हुई होगी सैटरडे भी नहीं हो पाई थी और संडे भी है ना तो वो ऐसे ही ऑफ थी ऑफिशियली ऑफ ओफ थी मैंने ऑफ नहीं रखी ऐसे कैसे आ गया बस ऐसे ही आ गया बीस ग्रुप में शेयर कर दिया माय oh चलो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो कि आप लोग इतना ज्यादा करते हो तो क्लास को एक बार अच्छे से सारे बच्चे मिलके जल्दी से शेयर कर दीजिए फिर जो हम क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि संघाई फेस्टिवल कहा जो है आपका मनाया जाता है द संघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बताइए शंघाई महोत्सव कहाँ पर जो है मनाया जाता है आंसर कीजिएगा फटाफट पड़ से आप लोग जल्दी जल्दी से उत्तर देना शुरू करेंगे संगाई फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है मोक टेस्ट लिया जाएगा बिल्कुल आपका लिया जाएगा मोक टेस्ट ठीक है बिल्कुल लिया जाएगा होली के पहले आपको मैराथन दे दे चलिए इस पर विचार करते हैं कि अगर ये पॉसिबल है तो बिल्कुल आपको दी जाएगी मैराथन क्लास होली से पहले नो no डाउट इसमें आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है हो सकता है हम लोग पहले से ही प्लान कर रहे हो कुछ तो सिर्फ जीके क्यों पूरा वाई ग्रुप अगर हो जाएगा तो कैसा रहेगा और पूरा पूरा एक्स वाई ग्रुप का पूरा महा टेस्ट हो जाए तो तो कैसा रहेगा तो लेट्स डू सम है ना कुछ प्लान वगैरह बनाते हैं अगर कुछ भी आपका जैसा भी होता है आपको बता दिया जाएगा है ना अगर आपकी क्लास होती है इस तरह की कोई मैराथन वगैरह तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप जो है संगाई फेस्टिवल के बारे में बताएंगे कहाँ पर जो है आपका मनाया जाता है संगाई महोत्सव तो ये मनाया जाता है आपके मणिपुर राज्य में कहां पर बेटा मणिपुर में मनाया जाता है कहां पर मनाया जाता है आपके बिल्कुल मणिपुर में मनाया जाता है आपका संघाई महोत्सव मणिपुर की राजधानी क्या है मणिपुर के सीएम और गवर्नर का नाम क्या है फटाफट से आप लोग मैम को आंसर करना शुरू कर दीजिए है।, है ना मणिपुर तो ये एक जो आपका मणि होती है मणि मणि का मतलब क्या होता है कोई बताएगा कोई बताएगा मणि का जो है मतलब क्या होता है मणि मणिपुर है ना कोई बताना चाहता है कि मणि का मतलब क्या होता है एक्चुअली तो ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपका मणिपुर यहाँ पर ये संगाई महोत्सव जो है आपका मनाया जाता है जिसकी राजधानी है इम्फाल क्या है बेटा इम्फाल आपकी राजधानी है नजमा है यहाँ की गवर्नर है और एन वीरेन्द्र सिंह आपके क्या है भाई मुख्यमंत्री हैं क्या है आपके मुख्यमंत्री हैं याद रखिए क्या है मुख्यमंत्री क्लियर है यहां तक चीजें मणि होता है आपका स्टोन है ना पर्ल हाँ बिल्कुल अब दिन रात लगा देने अब एक महीना बच्चा है अब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कहीं भी ना आपकी तरफ से हमारी तरफ से तो रहती नहीं है आप लोग कितने क्लास में रेगुलर हो ये सारी चीजें मायने रखती है जब पेपर देने जाते हो है ना तो मणिपुर इज द राइट आंसर और जैसा कि मैंने बताया इम्फाल आपकी राजधानी है इम्फाल ठीक है एन वीरेंद्र सिंह आपके क्या है भाई आप कहेंगे मैम ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और नजमा है क्या है आपकी नजमा जी ये आपकी जो है राज्यपाल है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपकी लोकसभा की दो सीटें आती है राज्यसभा की एक सीटें है आपके मणिपुर में है ना और एक जो मैमल होता है उसका नाम भी संघाई होता है है ना यानी कि जो एनिमल है ना आपके मणिपुर का उसका नाम भी संघाई होता है तो याद रखिएगा ठीक है फिर बेसिकली बात कर लेते हैं और फेस्टिवल कौन कौन से आपके जो हैं यहां पर मनाए जाते हैं तो एक होता है आपका निंगोल चाकूबा तो निंगोल चाकूबा भी आपके मणिपुर में मनाया जाता है क्या मनाया जाता है निंगोल चाकूबा ये भी आपके मणिपुर में जो है आपका महोत्सव मनाया जाता है याद रखना कूट फेस्टिवल और पढ़ते हैं ना कूट फेस्टिवल तो ये कूट फेस्टिवल भी कहा मनाया जाता है आपके मणिपुर में मना यार रुको एक सेकेंड पानी पी ले हम चलिएगा जल्दी से देखिएगा है ना सॉरी सॉरी है ना थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो गया यार सॉरी 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 मैं बिल्कुल, बिल्कुल, हिचकिया आ रही है बहुत ज्यादा द टेम्पल कंस्ट्रक्टेड एट खजुराहो आर खजुराहो में जो मंदिर है आपके निर्मित मंदिर है वो कैसे मंदिर है जैन मंदिर है वैष्णववादी मंदिर है सेव मंदिर है और या फिर आपके दोनों हैं, है ना या फिर तीनों बताइए कौन से मंदिर है बिल्कुल बिल्कुल बताइए कि कौन से जो है आपके मंदिर हैं, जो आपके खजुराहो में टेम्पल है तो खजुराहो के मंदिर कहां पर है सबसे पहले ये बता दीजिएगा तो खजुराहो के जो मंदिर है आपके छतरपुर मध्य प्रदेश में है कहां पर है आपके खजुराहो के जो मंदिर है आपके वो छतरपुर मध्य प्रदेश में है याद रखिएगा आपसे पूछा गया है कि कौन से मंदिर है अगर बात करूंगी तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपकी क्या है बेटा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है याद रखिएगा है ना तो ये जो है आपके बिल्कुल हिंदू मॉन्यूमेंट है आपको यही बताना है कि कौन से मोन्यूमेंट जो है आपके यहाँ पर है तो जल्दी जल्दी से आप क्या करेंगे आंसर देना शुरू करेंगे खजुराहो टेम्पल्स के बारे में तो खजुराहो टेम्पल याद रखिए छतरपुर मध्य प्रदेश वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आपके ये हैं बिल्कुल है तो एमपी में आते हैं तो एमपी के सीएम और गवर्नर के बारे में बताइएगा कि एमपी के सीएम कौन है गवर्नर कौन है है ना जल्दी जल्दी से आप जो है आंसर देना शुरू करेंगे चंदेल डायनेस्टी यानी कि चंदेल वंश के द्वारा इनका जो है निर्माण कराया गया था इन मंदिरों का आपको पता होने चाहिए है ना और यहाँ पे जो है आपका एक महादेव टेम्पल भी है यानी कि शिव का टेम्पल भी है ये भी आप याद रखिएगा है ना बिल्कुल बिल्कुल हिंदू और जैन धर्म को समर्पित ये आपके मंदिर हैं किनको आपके हिंदू और जैन धर्म को समर्पित जो है आपके ये मंदिर हैं तो आप कह सकते हैं भाई बिल्कुल बिल्कुल क्या आंसर आ रहा है बी या सी क्या आंसर आ रहा है आपका ओनली वन और थ्री क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ तो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल आपका बी हो जाएगा है ना जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है तो आप जो है देखो यहाँ पे ये जैन मंदिर आप कह सकते हो कि ये जैन धर्म को समर्पित भी है और आपके ये सैव को भी है ना यानी कि शिव जी को भी ठीक है भाई तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी वो होना चाहिए आपका ए होना चाहिए है ना भाई ए होना चाहिए ए, होना चाहिए ए जो होना चाहिए आपका राइट आंसर आप लोग सी आंसर कर रहे हो मैम नोट्स बनाने हैं हां जी बिल्कुल जो है आपके नोट्स आपको बनाने हैं बिल्कुल बनाने हैं ठीक है ये बताइए कि और सांची का स्तूप आपको कहां पर मिलेगा मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से जो पार्क है आपको वो मिलेंगे जल्दी से बताएंगे कौन कौन से पार्क जो है आपको मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन से टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है आंसर कीजिएगा टाइगर स्टेट जो है आपके हिंदू और जैन धर्म के हैं तो हिंदू में आपका वैष्णववादी भी आता है सेव भी आता है और जैन धर्म भी आएगा तो वन टू थ्री तीनों होने चाहिए ठीक है तो सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा वेरी गुड है ना क्योंकि देखो ये जो मंदिर आपके हिंदू और जैन दोनों के लिए है हिंदू हिंदू में आपका सैव भी आते हैं और वैष्णव भी आते हैं क्या आते हैं आपके वैष्णव भी आते हैं और यहाँ पे जो है आपका जैन भी होगा तो ऑप्शन सी जो होगा ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी योर राइट आंसर बताइए कौन कौन से नेशनल पार्क जल्दी जल्दी आंसर देंगे है ना जल्दी जल्दी द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है ये बताइए नागालैंड में मिजोरम में आसाम में मेघालय में 2020 में पहली बार 2020 में पहली बार किस राज्य ने मनाया पहली बार किस राज्य ने मनाया ये बताइएगा पहली बार जो है किस राज्य ने कल परसों में एक त्योहार मनाया गया है फूल फेस्टिवल कौन सा आपका फूल डे त्योहार है आपका किस राज्य का है उत्तर कीजिए तो आप लोग जो है आंसर देना शुरू करेंगे क्लास को बराबर शेयर भी कर देंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की स्पेशल आपकी क्लास होगी शाम छह बजे उसमें सारे बच्चे जरूर आएंगे है ना जरूर आप लोग जो है क्लास में आओगे बिल्कुल तो ये आपके नागालैंड का है कहां का है नागालैंड का ये तो बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है ना पहली बार किस राज्य ने मनाया 2020 में ये बताइएगा तो पहली बार त्रिपुरा ने मनाया है आपका है ना किसने आपके त्रिपुरा ने पहली बार मनाया ऐसे काम नहीं चलेगा क्लास को शेयर कर दो है ना पहली बार त्रिपुरा ने जो है इसे मनाया याद रखिए फूल डेई फेस्टिवल आपके उत्तराखंड का है कहाँ का उत्तराखंड का ठीक है असम ने नहीं त्रिपुरा आएगा बेटा आपके अगर हम बात करेंगे फूल दे त्योहार तो ये है आपका उत्तराखंड का कहाँ का उत्तराखंड का जो है आपका एक फेस्टिवल है फूल फूलदेही फेस्टिवल नागालैंड की कैपिटल क्या है ये बताइए नागालैंड की कैपिटल है आपकी कौन सी नागालैंड कोहिमा क्या है आपकी कैपिटल बिल्कुल आपकी कैपिटल है कोहिमा याद रखिएगा कोहिमा है आपकी राजधानी अगर मैं बात करूंगी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है आपके है ना तो नेफ्यू बिल्कुल बिल्कुल नेफ्यू राव जो है आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं याद रखिएगा और यहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं उनका नाम बताइएगा आर एन रवि कौन है आपके आर एन रवि ठीक है आर एन रवि यहाँ के आपके राज्यपाल हैं और नैफ्यू राव जो आपके एनआर करके आप याद कर सकते हो ये क्या है आपके मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे आपके डेप्यूटी सीएम भी हैं क्या है भाई डेप्यूटी सीएम भी है वो कौन है आपके याथुंगो करके है याथुंगो पांथो जी याथुंगो जी क्या है यहाँ के आपके डेप्यूटी सीएम भी है याद रखिए हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल राज्यसभा की भी एक ही सीट है आपके नागालैंड में और लोकसभा की भी एक ही सीट है आपके नागालैंड में तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के एक एक सीटें आती हैं याद रखिएगा बाकी अगर हम बात करेंगे तो नागालैंड एक राज्य जो है आपका कब बना था एक दिसंबर उन्नीस तो ये जो चीजें है आपकी इन्हें याद रखियेगा है ना ये तो सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको याद रखिए नागालैंड के कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड में बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं यानी कि आपकी जनजातियां आती हैं है ना तो उनके जो है नाम वगैरह थोड़ा कुकी लोथा फोम कोयांक ये सारी जो, जो जनजातियां हैं आपके नागालैंड से संबंधित है आपको पता होना चाहिए मैं हमारे गाँव के आर्मी के जवान शहीद हो गए जय हिंद जय जै भारत हाँ बिल्कुल उनको जय हिंद और सत नमन जो शहीद हुए जीके का कोर्स आपका मैं करा दूंगी कंप्लीट आप टेंशन मत लो अभी देखते हैं कुछ प्लानिंग करते हैं लाइक क्लासेस वगैरह की है ना कब कब जो है आपकी क्लास हो सकती है फिर उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं लिस्ट बनाती आज टॉपिक्स की जो आपके नहीं हुए फिर हम उनपे जो है आने वाले दिनों में उन्हीं पे कार्य करेंगे इसीलिए मैंने आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास नहीं ली है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है पहले वो कराने थे मुझे आपको देखिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के निम्न शैलियों में से किसके साथ गुंडेचा के प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त है ये है कि जो गुंडेचा ब्रदर्स हैं, है ना गुंडेचा जो भाई है उनका संबंध किस म्यूजिक से है गुंडेचा ब्रदर्स का संबंध किस म्यूजिक से है किस संगीत शैली से है उत्तर दीजिए है ना क्लास बिल्कुल सही चल रही है बफरी है तो एक बार यस मैम कर देना है ना गुंडेचा ब्रदर्स का संबंध किस संगीत शैली से है बताइए गुंडेचा ब्रदर्स जल्दी से आंसर देंगे फटाफट से नेट कनेक्टेड है वैसे लेकिन नेटवर्क आ गया मतलब बफ हो रहा है उसमें बफरिंग शो कर रहे इसमें आ गया अभी चलिएगा है ना बिल्कुल ये क्या है आपके क्लासिकल सिंगर्स हैं और किस घराने के हैं आपके किससे संबंधित है आपके तो ये द्रुपद सिंगर्स हैं कौन से हैं आपके जनर से जो है जनरेशन से ये बिलोंग करते हैं आपके दो भाई हैं है ना क्या है आपके गुंडेचा ब्रदर्स इंडियन क्लासिकल सिंगर्स है बिल्कुल आपके और ये जो है उन्नीस से लेकर उन्नीस से लेकर के 2019 तक इनका बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि इनका जो है प्रचार प्रसार रहा है याद रखेगा दोनों को 2012 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था कब आपके 2012 में पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है क्या है आपके ये दो भाई हैं याद रखना किससे संबंधित है आपकी द्रुपद शैली से तो पेपर में आ जाए अगर गुंडेचा ब्रदर्स का संबंध किस शैली से है अवार्ड्स करा दूंगी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं आपके देखो कुछ टॉपिक्स मैंने ब्रह्मोज बैच में कराए थे तो ब्रह्मोज बैच की क्लासेस भी देख लेना एलिफेंट फेस्टिवल हर वर्ष पर मनाया जाता है जयपुर में जोधपुर में कोटा में अजमेर में बताइए कहां मनाया जाता है आपका एलिफेंट फेस्टिवल्स है ना बिल्कुल करा दूंगी करंट अफेयर लेकिन क्लास को शेयर तो करो आप लोग क्लास को तो शेयर करते नहीं हो बिल्कुल भी है जरा भी आपसे क्लास शेयर नहीं होती जितने भी नए बच्चे हैं आज पहली बार क्लास में आए हैं बेटा क्लास को थोड़ा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से सेवन हंड्रेड के की जो फैमिली है आपकी सात सौ के जो है आपके जल्द से जल्द आप लोग जो है पूरा कर दीजिए है ना तो सात लाख जो है हमारे विद्यार्थियों का परिवार अपना बनने वाला है तो इसमें जो है देरी नहीं होनी चाहिए जल्द से जल्द जो है इसे पूरा किया जाए टारगेट को एलिफेंट फेस्टिवल की बात चल रही है आंसर कीजिए कहां पर मनाया जाता है तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपके राजस्थान में मनाया जाता है लेकिन यहाँ पर राजस्थान की जगह के नाम है जयपुर है आपका जोधपुर है कोटा है या फिर अजमेर है बताइए कहां पर मनाया जाता है जल्दी से आंसर देंगे है ना जल्दी जल्दी आंसर देंगे पिंक सिटी किसे कहा जाता है ब्लू सिटी किसे कहा जाता है ये भी बताइए पिंक सिटी किसे कहा जाता है ब्लू सिटी किसे कहा जाता है जल्दी से बताएंगे और ये आपके जयपुर यानी कि आपकी राजधानी में मनाया जाता है राजस्थान की जयपुर को आप कहते हैं मैम पिंक सिटी है गुलाबी शहर राजस्थान के सीएम कौन है गवर्नर कौन है राजस्थान के सीएम गवर्नर राजस्थान की अगर मैं बात करूंगी तो मैंने शायद पिछली क्लास में भी सारी चीजें आपको कराई थी फिर से बता देती हूँ जो आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में है भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है आपकी कहाँ पर है आपके अः ये भी आपकी राजस्थान में है केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पर है आपके राजस्थान में है सांबर लेक कहा है आपकी राजस्थान में है सांबर लेक है ना तेरा ताली नृत्य का संबंध किस राज्य से है राजस्थान से है कठपुतली नृत्य कहाँ पे किया जाता है राजस्थान में किया जाता है याद रखिएगा इसके अलावा गणगौर पूजा कहाँ पर होती है राजस्थान में होती है याद रखिए और अगर हम बात करेंगे और डिटेल में राजस्थान के बारे में तो आ जाएगा आपका आ, सारी चीजें बता दी मैंने के ये ये सब सारी तो सारे के सारे पॉइंट्स आपके किससे संबंधित है आपके राजस्थान से संबंधित है याद रखो तो यहाँ पे क्या होते है एलिफेंट पोलो भी कहते हैं एलिफेंट डांस वगैरह होता है एक भव्य रूप से आयोजन होता है बहुत ही बढ़िया सा ठीक है भाई अशोक गहलोत और कलराज कालराज मिश्रा जी बहुत बढ़िया क्लास को बराबर आप जो है लाइक और शेयर कर दीजिए ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना अच्छे से लाइक और शेयर कर दो भाई मतलब एक तुम लोग इतने डिमांड करते हो ये करा दो वो करा दो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है मोटिवेशन कहा से आती है जैसे आप लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है पढ़ाने के लिए भी जरूरत होती है तो वो कहाँ से आती है वो आप लोगों से मिलती है जब आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में आते हो तो बहुत प्यार सा लगता है कि हाँ इतने सारे बच्चे आए हैं और एफर्ट्स किए जाए और अच्छा पढ़ाया जाए और बेहतरीन किया जाए तो ऐसी चीजें मन में आती है जिन भावनाओं को आप समझते नहीं है, है ना तो क्लास को शेयर करना आपका परम कर्तव्य बनता है तो क्लास को बेटा थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो मैम की क्लास को भी देखिएगा जरा कौन सा सांस्कृतिक संगठन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा स्थापित किया गया था ठीक है बताइए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग ललित कला अकेडमी या फिर आपकी साहित्य अकेडमी बताइए किसको जो है आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने किसकी स्थापना की थी जल्दी से आंसर देंगे आप लोग किसने आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने बिल्कुल एक बार सारे बच्चे जोर से जय हिंद बोल के क्लास को शेयर कर देंगे है ना तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन बताइए इसकी जो स्थापना है आपकी किसने की थी आईसीसीआर है ना मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म दिवस कब होता है अपने भारत के पहले जो है ये क्या बने थे शिक्षा मंत्री बने थे है ना मौलाना आजाद जी बताइए जल्दी से जल्दी जल्दी बिल्कुल बहुत बढ़िया ये भी बताइएगा कि जो आपकी साहित्य अकेडमी है है ना साहित्य अकेडमी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इसकी स्थापना कब हुई थी सारे की सारी चीजें आपको बतानी है जल्दी 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 दो हजार चौदह का या दो हजार उन्नीस का बेटा बिल्कुल जो आपका नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का क्या होता है आपका जन्म दिवस होता है जब हम ये मनाते हैं है ना तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से संगठन की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी तो जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे आंसर देना शुरू करेंगे बिल्कुल बढ़िया है ना आप बताइए कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है जल्दी 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 जल्दी, जल्दी आंसर कीजिएगा कि जो आपका नेशनल एजुकेशन डे है वो कब मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है आपका नेशनल एजुकेशन डे जल्दी से बताइए नेशनल एजुकेशन डे जो है आपका कब जो है मनाया जाता है फटाफट से आप जो है आंसर देंगे जल्दी से सारे बच्चे मिलके नेशनल एजुकेशन डे जो है किस तारीख को मनाया जाता है एक एक क्वेश्चन पेपर में यहाँ से ना जाए तो बता देना कि मैम आपने क्या कहा था कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे नहीं आए बिल्कुल आएंगे यहां से आएंगे तो यहाँ पे याद रखो जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट right आंसर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन आई जिसे आप बोलते हैं है ना आईसीसीआर जिसे आप बोलते हैं इसकी स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी है ना स्वतंत्र भारत में और कब की थी आपकी 9 अप्रैल 1950 को की थी सारे बच्चे गलत आंसर करे थे एक का भी सही नहीं आया मैं देखते देखते आंखें थक गई 9 अप्रैल 1950 को जो है इसकी स्थापना की थी याद रखना ये जो है अपने आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे तो इन्हीं के जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं आपका इन्हीं के दिवस को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं याद रखे नई दिल्ली में है आपका आईसीसीआर डायरेक्टर जनरल कौन है आपके तो ये है आपके दिनेश पाठक जी कौन है इसके दिनेश पाठक जी जो है आपके डायरेक्टर जनरल है याद रखेगा ठीक है और इनका जन्मदिन कब होता है आपका बताइए इनका जो है जन्मदिन कब होता है जल्दी से तो बिल्कुल आपके 11 नवंबर को कब कब भाई आपके 11 नवंबर को इनका हैप्पी बर्थडे होता है जब हम मनाते हैं आपका नेशनल एजुकेशन डे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया यक्ष गान डांस ड्रामा इज पॉपुलर आपको बताना है कि किस राज्य में जो है आपका यक्ष गान नृत्य जो है पॉपुलर है बताइए है ना जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर करेंगे जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप लोग फटाफट से जल्दी जल्दी यक्षगान का संबंध हम सभी जानते हैं कहां से है आपके कर्नाटक से है नेवी के लिए भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कर्नाटक से संबंध है आपके यक्षगान का कर्नाटक की बात करूंगी राजधानी है आपके बेंगलोर बताइए कि बेंगलोर को क्या क्या कहा जाता है है ना तीन नाम बताओ जो बेंगलोर को दिए गए हैं इसके अलावा सीएम है आपके वी एस येदुरप्पा जी वी एस येद्युरुराप्पा ठीक है वाजु भाई वाला क्या है आपके यहाँ के गवर्नर हैं ठीक है ये भी याद रखिएगा यक्षगान आपने बता दिया हम्पी के मोन्यूमेंट्स कहां पर है आपके कर्नाटक में है कहा पर है आपके कर्नाटक में है याद रखेगा ठीक है भाई तो ये कुछ एक चीजें हैं आपके कर्नाटक से संबंधित जो आपको पता होने चाहिए क्लास को अच्छे से शेयर कर दीजिए है ना ज्यादा से ज्यादा बताइए बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकन वैली बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी बहुत बढ़िया तो ये सारे के सारे उपनाम प्राप्त है आपके किसको आपके कर्नाटक के बेंगलोर को चलेगा नृत्य का संबंध जो कि आठ क्लासिकल डांस में से एक है किस से है किस राज्य से है तो देखिए क्लासिकल डांस आपके आठ होते हैं हम सभी जानते हैं कौन कौन से होते हैं तो मैम आपको याद करा चुकी है इस तरीके से के एम बोस के से तीन डांस होते हैं एम से दो डांस होते हैं आपके अब वो कौन कौन से होते हैं तो के से होते हैं आपके तीन डांस जैसा कि मैंने बताया आपको तो एक तो होता है आपका केरल ठीक है एक होता है सॉरी केरल कह रही हूं डांस का नाम बताना है तो डांस का नाम है आपका एक तो होता है आपका कथक कली कथक कली एक होता है आपका कथक और एक होता है आपका कुचिपुड़ी कौन सा होता है बेटा कुचिपुड़ी होता है है ना तो कैसे जो है आपके ये तीन होते हैं फिर अगर हम बात करेंगे आपके किससे भाई एम एम से दो होते हैं आपके मणिपुरी और आपका मोहिनी अट्टम एक तो होता है मणिपुरी एक होता है आपका मोहिनी अट्टम कौन सा होता है मोहिनी अट्टम पेन कॉपी लेके बैठा करो साथ साथ लिखना शुरू किया करो मोहिनी अट्टम बी से कौन सा नृत्य होता है आपका तो बी से जो होता है आपका उसका नाम है आपका क्या नाम है बेटा तो उसका नाम भी लिख लीजिए बी से होता है आपका भरतनाट्यम क्या होता है भरतनाट्यम ठीक है भरतनाट्यम ओ से होता है आपका ओडिसी जो कि उड़ीसा का है और ऐसे होता है आपका सत्रिया जो कि आपसे पूछा गया है कि किस राज्य से संबंधित है आपका नृत्य क्लास को शेयर कर दो बिल्कुल असम से है आंसर कर दिया आपने असम से है बिल्कुल सही बात है लेकिन टोटल आपके आठ है एक है आपका कथक कुचिपुड़ी और आपका कथक कली कथक कली और मोहिनी अट्टम केरल से है कथक कली और मोहिनी अट्टम केरल से है कली और मोहिनी कली और मोहिनी कहाँ जाती है केरल जाती है, है ना तो कथक कली और मोहिनी अट्टम केरल के नृत्य है, है कच्ची पुड़ी आंध्र प्रदेश यानी कि अंधी है ना तो इस प्रकार या फिर आधा पेट तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है कथक आपके नॉर्थ इंडिया या फिर यूपी का है और मणिपुरी मणिपुर का उड़ीसी उड़ीसी उड़ीसा का और सत्रिया आपके कहा का असम का सत्रिया सबसे लास्ट में जो है क्लासिकल डांस बना और भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का तो भरतनाट्यम और तमिलनाडु ठीक है ऐसे जो है आपके ये नृत्य है ये है आपके क्लासिकल डांस अब बात करें अगर हम असम की तो असम की राजधानी है आपकी दिसपुर क्या है बेटा दिसपुर आपकी राजधानी है सर्बानंद सोनोवाल आपके मुख्यमंत्री है जगदीश मुखी जी आपके राज्यपाल हैं आपका जो है मानस नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क ओरांग नेशनल पार्क नामेरी नेशनल पार्क डिब्रू चवा नेशनल पार्क ये सारे के सारे आपके असम राज्य में है बिहू नृत्य कहाँ पे किया जाता है असम में किया जाता है याद रखेगा तो बिहू का संबंध भी किससे असम से है तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई इनको आप याद रखेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका आपसे पूछा गया है कि बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ फेस्टिवल कोल्ड छाप छर कूट इज सेलिब्रेटेड इन मार्च आपसे पूछा है कि छाप कूट जो त्योहार है आपका वो कहां पर मनाया जाता है, उत्तर की? उत्तर तो आप सभी बच्चे जो है एक साथ मिलकर देंगे कि फेस्टिवल जो है आपका कहां पर मनाया जाता है जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए मार्च में मनाया जाता है और ये आपके मिजोरम में मनाया जाता है कहां पर आपके मिजोरम में तो मिजोरम की राजधानी है आपकी आइजोल क्या है आपकी आइजोल सीएम कौन है गवर्नर कौन है तेजी से आंसर आएगा कि सीएम कौन है आपके और गवर्नर कौन है जल्दी से आप लोग आंसर देंगे मिजोरम मिजोरम के के तो के बारे में बताइए कि मिजोरम में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी एक दिन का त्यौहार होता है मिजो कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं कौन से लोग मनाते हैं आपके मिजो कम्युनिटी के लोग होते हैं जनजाति होती है वो जो है इसे मनाते हैं याद रखेगा ठीक है भाई बिल्कुल 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 वेरी गुड तो पहले उन्नीस में जब मिजोरम बना था तो यूनियन टेरिटरी था फिर आपको उन्नीस में इसे राज्य का दर्जा दिया गया जो आपके पी एस श्रीधरन पिल्लई है वो यहाँ के क्या है आपके राज्यपाल है और जोरम थंगा जी क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन है आपके जोरम थंगा जोरम थंगा क्या है आपके मुख्यमंत्री हैं और तोल लुया यहाँ के क्या है आपके डेप्यूटी सीएम हैं उप मुख्यमंत्री कौन है आपके टोन लिख लीजिए है ना ये जो है आपके यहाँ के क्या है डेपुटी सीएम है याद रखेगा और जोरम थांगा जी क्या है यहाँ के सीएम है ये भी याद रखेगा बात करें राज्यसभा लोकसभा दोनों की एक एक सीट है आपके जो है ये एक आपके नॉर्थ इंडियन नॉर्थ ईस्ट जो आपके स्टेट है उनमें से एक राज्य है आपका मिजो कम्युनिटी मिजो भाषा बोली जाती है एक मुख्य कम्युनिटी है मिजोरम यहाँ की तो ये सारी चीजें आप जो है मिजोरम से संबंधित यहाँ की याद रखेंगे छापचर कूट फेस्टिवल 1973 में जो है आपका कह सकते हैं कि इसको फिर से मनाया जाने लगा 1973 से इसे शुरू किया गया है मनाना तो याद रखेगा है ना एक पोल कूट भी होता है और भी बहुत सारे कूट होते हैं मीमकूट भी होता है तो ये सारे के सारे आपके मिजोरम में जो है आप मनाएंगे ठीक है और एक कुछ एक कूट फेस्टिवल आपके मणिपुर में भी मनाए जाते हैं याद रखेगा क्या हो गया आपस में लड़ाई नहीं करेंगे अच्छे से चीजों को सुनेंगे पेन कॉपी लेके बैठो यहीं से चीजें आती है पेपर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं फिर कहोगे कि मैम ये नहीं पढ़ा था वो नहीं पढ़ा था शोर मंदिर कहां पर है बताइएगा शोर टेम्पल कहां पर है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताए कि किस भगवान को समर्पित है शोर मंदिर के बारे में मैं क्या बोलूँ मैं तुम्हें हजारों बार बता चुकी हूँ शोर टेम्पल रंगानाथ स्वामी टेम्पल है ना ये सारे के सारे टेम्पल बृदेश्वर टेम्पल कहाँ है आपके चेन्नई में है कहां पर है बेटा आपके चेन्नई में है याद रखे तो सोर टेंपल की अगर हम बात करेंगे बिल्कुल इसका जो नाम है, वो सोर पड़ा है, बे तो चेन्नई एक आपका शहर है तमिलनाडु का वहां पर है ठीक है भाई इसको ग्रेनाइट से बनाया गया है आठवीं सेंचुरी में आठवीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था ग्रेनाइट से याद रखेगा किससे आपके ग्रेनाइट से और किसके मतलब किसके टाइम पीरियड में इसका निर्माण हुआ था तो नरसिम जो आपके द्वितीय थे आपके पल्लव डायनेस्टी के उनके में इस मंदिर का निर्माण हुआ था याद रखो ये जो मंदिर है आपके जो महाबलीपुरम के मोन्यूमेंट्स आते हैं उन्हीं में से एक ये मंदिर आपका आता है इसको उन्नीस में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था कब दिया गया था उन्नीस में ये एक कह सकते हो कि साउथ इंडिया का जो कि चट्टानों से काट के बनाया गया मंदिर है उनमें से एक पुराना मंदिर है क्या है आपका पुराना जो है मंदिर है और किस भगवान को समर्पित है यह आप बताइएगा तो बिल्कुल आपका क्या है ये हिंदू धर्म का मंदिर है है ना कौन से धर्म का आपका हिंदू धर्म का जो आपका एक इंडिया का डांस फेस्टिवल होता है वो कहाँ पे होता है ममल्लापुरम में है ना द ममल्लापुरम डांस फेस्टिवल जो होता है ममलापुरम डांस फेस्टिवल वो तमिलनाडु का डांस फेस्टिवल है याद रखेगा तो ये जो है आपके इन मंदिरों में ही किए जाते हैं ठीक है भाई याद रखना तो ये जो मंदिर है आपका बिल्कुल सेवन पगोड़ाज एट महाबलीपुरम के जो सात पगोड़ा है उनमें से एक मंदिर है आपका याद रखिए तो बहुत ही बिल्कुल 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 कौन से भगवान को विष्णु भगवान जी को है ना किनको समर्पित है आपके विष्णु जी को समर्पित है याद रखेगा कौन से भगवान को विष्णु भगवान इतनी सारी चीजें मैं आपको बोलते बोलते बता चुकी हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने लिखी होंगी है ना विष्णु भगवान को समर्पित आपके तमिलनाडु में है तमिलनाडु की राजधानी आपके चेन्नई है क्या है बेटा आपकी चेन्नई है सीएम आपके कौन है तो ये है आपके भाई के पलाना स्वामी क्यों कौन है आपके के पलाना स्वामी ठीक है ये जो है आपके यहाँ के सीएम है याद रखिएगा गवर्नर का नाम आप बताइए और कौन कौन से मंदिर आपके तमिलनाडु में आते हैं तो आपके रंगानाथ स्वामी मंदिर बृहदेश्वर टेम्पल मदुरई मंदिर जो कि आपके सॉरी मीनाक्षी मंदिर जो कि आपके मदुरई में है ये भी आपके तमिलनाडु में आता है इसको भी याद रखना और आपके जो, आपके जो आप कहते हैं ग्रेट चोलास टेम्पल है ना ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल जो आप, आपके आते हैं ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल इसमें तीन मंदिर आते हैं तीन मंदिर ये भी आपके कौन से हैं कहाँ पे है तमिलनाडु में है और तीन मंदिर कौन कौन से हैं आपके ब्रिदेश्वर टेम्पल जो कि आपके तंजौर में है गंगई कोंडा चोलापुरम जो आपका तमिलनाडु में है वो भी इसी में आता है एरातेश्वर मंदिर भी इसी में आता है तो इस प्रकार जो है आपके ये तीन चीजें इसमें आती है याद रखेगा ठीक है इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है आपकी मेरी क्लास शुरू होगी छह बजे छह बजे आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की क्लास आएगी जीके स्पेशल है ना तो वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराऊंगी पेपर में तो उस क्लास में जरूर आइएगा इंडियन कोस्ट गार्ड की आपकी क्लास होगी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सी क्लास है आज शाम बजे ठीक है तो बेटा तो याद रखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जो व्यास सम्मान है आपका वो किस क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है आंसर दीजिए है ना कि जो व्यास सम्मान है आपका वो किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए अब जल्दी से आंसर देंगे कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है जल्दी जल्दी चलिएगा आंसर कर फिल्म में साहित्य में संगीत में या फिर आपके नृत्य में तो ये जो है आपका एक लिटरेचर अवार्ड है जिसे सबसे पहले 1991 में दिया गया था कब दिया गया था आपके 1991 में सबसे पहले दिया गया था व्यास सम्मान को एक लिटरेचर यानी कि आपके साहित्य का पुरस्कार है किसका आपके साहित्य का तो लास्ट कब दिया गया है आपके 2019 में याद रखेगा 2019 में दिया गया है आपका अंतिम है ना लास्ट कौन देता है तो के के बिड़ला फाउंडेशन कौन देता है ये के के बिड़ला फाउंडेशन जो है ये प्राइज देता है इसको आप याद रखना इसमें आपको जो है चार लाख रुपए की राशि दी जाती है यह भी याद रखेगा और अगर हम बात करेंगे 2019 में किसे दिया गया है तो जो हिंदी में है ना हिंदी में जो नोवेल है वो दिया गया था आपके किसको नसीरा शर्मा जी को है ना नसीरा शर्मा जी को कागज की नाव के लिए किसके लिए कागज की नाव आपने शायद पढ़ा भी होगा पहले कागज की नाव ठीक है किसके लिए दिया गया है नासरा शर्मा को कागज की नाव के लिए दिया गया है है ना बिल्कुल 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 क्या क्या कंफ्यूजन है इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात आ गई ठीक है 2018 में लीलाधर जागुड़ी थे उनको दिया गया था ना लाए को जब कह रही हूं कि उन्नीस सौ में दिया गया है रामविलास शर्मा जी को किनको राम विलास शर्मा जी को ठीक है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी ऐसे करके उनका कुछ एक वो था लेख था उसको जो है दिया गया था 1991 में 1992 नाइनटी की अगर हम बात करेंगे तो यह दिया गया था शिव प्रसाद सिंह जी को नीला चांद उनका एक उपन्यास था उसके लिए किसके लिए नीला उपन्यास नीला चांद उनका एक उपन्यास था उसके लिए ठीक है याद रखेगा तो आप लोग आपस में बहस ना करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा है ना और चीजों को नोट करते जाइए पेन कॉपी रखा करो हाथों में अजंता एलोरा एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी कला के विकास का सूचक है कौन सी कला के पल्लव चालुक्य पंडय और राष्ट्रकूट उत्तर दीजिएगा इसका जो है आपका आंसर क्या होगा है ना कौन सी है आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं यानी कि उसमें जो पेंटिंग है है ना अजंता एलोरा की जो पेंटिंग है उसमें क्या वो रिप्रेजेंट करती है ये बताना है ना द पेंटिंग ऑफ अजंता एलोरा जो अजंता एलोरा की पेंटिंग है वो किस चीज को सिग्निफाई करती है ये बताना है तो जल्दी से आप क्या करेंगे आंसर देंगे जल्दी जल्दी कौन सी डायनेस्टी चालुक्य चालुक्य क्या चालू, के, चालू, के, चालू के आंसर आ रहा है अजंता एलोरा की गुफाएं पर है ये बताइएगा अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है ये भी बताइए कि जो आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, एक्चुअली वो है कहां पर देखो इसका मतलब ये है कि वो किसको सिग्निफाई करता है सिग्निफाई का मतलब आप कह सकते हो कि किसका जो है उसके ऊपर अफेक्ट जो है आपको दिखाई देता है।, है ना कौन से साम्राज्य का यह आपसे पूछा गया है तो जल्दी से आप लोग आंसर दिया कीजिए है ना ये क्या है आपकी अजंता एलोरा केव जो है आपकी ये आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है क्या है बेटा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है याद रखेगा ठीक है क्या है आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये भी याद रखे कि इनमें आपको क्या क्या मिलेंगी तो जो आपकी अजंता केव्स है ये आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से संबंधित है किससे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ठीक है तो बिल्कुल यहां पे आपको बहुत सारे लॉर्ड बुद्धा के जो है मोनेस्ट्रीज वगैरह के सिम्बलाइज आपको यहां पे मिलते हैं तो ये है आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं कौन सी गुफाएं हैं आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं बिल्कुल बिल्कुल तो यहां पे जो आपने आंसर किया है बिल्कुल सही है आपका चालुक्य जो है आपका आंसर होना चाहिए है ना देखो चालुक्य डायनेस्टी जो होगा आपका आंसर होना चाहिए निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर पड़ा है जहां पर जिसका जन्म हुआ है कुछपुड़ी कथकली भरतनाट्यम मोहिनी आटम बताइए कौन से गांव के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है जल्दी से आंसर देंगे ठीक है जल्दी से हां जी कैलाश टेम्पल भी है बिल्कुल सही बात है आपकी कैलाश टेम्पल भी है आपसे पूछा गया है कि किस क्लासिकल डांस का नाम उसके जो है गांव के नाम पर पड़ा है ये बताइए जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे गांव के नाम पर कौन से क्लासिकल डांस का जो नाम है वो पड़ा है जल्दी से तो जो आपका कुचिपुड़ी है है ना कुचिपुड़ी विलेज है आपका ठीक है याद रखेगा क्या है विजयवाड़ा में तो कुचिपुड़ी का नाम उसके गांव के नाम पर पड़ा है याद रखेगा है ना नाम जो है वो गांव के नाम पर पड़ा है याद रखेगा कुचिपुड़ी तो ये तो मैं आपको अभी भी बता चुकी हूं इस बारे में बताइए कि इनमें से किस त्योहार में बोट रेसिंग होती है नौका दौड़ किस त्योहार की एक विशेषता है उत्तर दीजिए तो आप दो त्यौहार पढ़ते हैं बेसिकली एक ओणम होता है एक पोंगल होता है बताइए कि ओणम कहाँ पर मनाया जाता है पोंगल कहां पर मनाया जाता है रंगाली बिहू का संबंध असम राज्य से है किससे है आपके असम से है आप मुझे बताइए कि ये कहाँ पर जो है आपके मनाए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर में जो आपका कंफ्यूजन होगा तो उसे हम दूर कर देंगे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा है ना ओणम होता है एक पोंगल होता है बताइए कि ओणम कहां पर मनाया जाता है बिल्कुल और पोंगल आपके कहां पर जो है मनाया जाता है जल्दी से आप लोग क्या करेंगे आंसर करेंगे है ना तो यहां पे आप लोग पता नहीं मिक्स मिक्स आंसर करते हो ओणम भी आंसर देते हो पोंगल भी आंसर देते हो चाहते क्या हो मुझे समझ नहीं आता पिटना चाहते हो क्या चाहते हो पहले जो क्वेश्चन पूछा है कि नौका रेस है ना तो बोट रेस किस त्योहार में होती है सबसे पहले तो इसका आंसर आना चाहिए ओणम में या पोंगल में तो बिल्कुल बोट रेस को हम कहते हैं वल्लम कली क्या कहते हैं आप वल्लम कली कहते हैं और जो आपका एक स्प्रिंग फेस्टिवल है ओणम इसमें जो है इसको कंडक्ट किया जाता है क्या कहते हैं केरल में वल्लम कली कहते हैं ठीक है तो ओणम के त्योहार में आपकी बोट रेसिंग होती है याद रखेगा किसमें होती है ओणम के त्योहार में ठीक है अब बताइए कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है जो पोंगल है वो किस राज्य का त्योहार है जल्दी से आंसर देंगे तो हम एक मनाते हैं आपकी मकर संक्रांति होती है क्या होती है आपकी बिल्कुल मकर संक्रांति होती है वैसे ही आपके जो है पोंगल मनाया जाता है कहां पर तमिल कम्युनिटी के द्वारा तो बेसिकली इन द तमिलनाडु किसके द्वारा आपकी थाई पोंगल आप कहते हैं बिल्कुल है ना बिल्कुल बिल्कुल तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल है इंडिया का जो कि तमिल कम्युनिटी के द्वारा आप कहेंगे कि तमिलनाडु में मनाया जाता है कहां पर आपके तमिलनाडु बहुत बढ़िया तमिलनाडु वेरी गुड ठीक है तो ये जो है आपका तमिलनाडु हो जाएगा ये आपके केरल में ओणम आपके केरल में मनाया जाता है ओणम कितने दिनों का त्योहार होता है ये बताइएगा कितने दिनों का होता है कितने दिन तक मनाया जाता है है ना कितने दिन तक ओणम का जो पहला दिन होता है उसे आप क्या कहते हैं और अंतिम दिन जो होता है उसे आप क्या कहते हैं ये बताइएगा अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कब जब क्लास खत्म होगी कमेंट बॉक्स में कल उसका नाम क्या पूरा स्क्रीन शॉट दिखाऊंगी किसने आंसर दिया है है ना अगर आंसर दे दिया तो विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फेमस इन तमिलनाडु क्लासिकल डांस पूछा तमिलनाडु का कौन सा है मोहिनीअट्ट कुचिपुड़ी भरतनाट्यम कथकली बताइए कौन सा है जल्दी से चलिएगा आंसर कीजिएगा फटाफट से पंद्रह दिन पांच दिन कोई बोलेगा एक हफ्ता पता था मुझे है ना ऐसे ऐसे आंसर दोगे तो देखो तमिलनाडु तो है ना नाडम नाट्यम तो भरतनाट्यम है ना तो भरतनाट्यम जो है कहाँ का, का क्लासिकल डांस है आपके तमिलनाडु का है याद रखिए अच्छा ये जो क्लासिकल डांस होते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं आपके क्लासिकल डांस ये कितने रसों पर किए जाते हैं कितने रसों पर किए जाते हैं कितने रस होते हैं बताइए सात आठ नौ दस कितने रसों पर किए जाते हैं उत्तर दीजिएगा कितने रसों पर आपके क्लासिकल डांस किए जाते हैं आंसर कीजिएगा द फेमस क्या लिखा है भाई नकाब लेबारा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है आंसर कीजिएगा केरल में मनाया जाता है आपके बिहार में राजस्थान में या फिर आपके उड़ीसा में तो जल्दी से आप क्या करेंगे बेटा आंसर देंगे जल्दी जल्दी किस राज्य में जो है ये त्यौहार आपका मनाया जाता है नाम है इसका नबा कालेबारा जल्दी से बताइएगा जल्दी से आंसर कीजिएगा बिल्कुल जल्दी से आप क्या करेंगे आंसर देंगे है ना सात रसों पर रस का मतलब जूस नहीं होता ऐसा सब मारूंगे यही से थप्पड़ नौ रसों पर किए जाते हैं कितने रसों पर किए जाते हैं वेरी गुड आपके नौ रसों पर किए जाते हैं और ये एक जो फेस्टिवल है आपका ये उड़ीसा में मनाया जाता है पूरी टेम्पल में जगन्नाथ पुरी में है ना उड़ीसा में उड़ीसा का त्यौहार है डी इज द राइट आंसर वेरी गुड है ना उड़ीसा में जो है इस त्योहार को आपके मनाया जाता है तो ये जो है आपका बारहवीं शताब्दी से मनाते आ रहे हैं हम इसको ठीक है बिल्कुल बिल्कुल तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में जो है इसको मनाया जाता है याद रखिए किसमें जगन्नाथ टेम्पल पुरी में उड़ीसा की बात करेंगे तो सन टेम्पल जिसे आप कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर क्या कहते हैं बेटा कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहां पर मनाया जाता है आपके उड़ीसा में मनाया जाता है याद रखिएगा क्या मनाया जाता है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर इसे हम सॉरी कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है उड़ीसा में इसे हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं क्या कहते हैं ब्लैक पगोड़ा ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं जगन्नाथपुरी भी कहां पर है आपके उड़ीसा में है इसे भी याद रखना रस का मतलब यूज होता है टेकिंग तुम पिटोगे मुझसे सच्ची में बहुत ज्यादा पिटोगे मतलब बता नहीं सकते कितना मारने वाली हूं मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हद से ज्यादा तो ये जो है आप याद रखेगा ठीक है भाई कहाँ पर है आपके उड़ीसा में है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर नवीन पटनायक सीएम है और गवर्नर कौन है बताइएगा भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से किसे काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है तो सूर्य मंदिर को जाना जाता है अभी अभी बता दिया मैंने ये बताइए कि सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था जो सूर्य मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर इसको किसने बनवाया था आंसर कीजिए कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था किसने बनवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर को जल्दी से बताओ बी तो आंसर दे दिया ये तो मैंने ही बता दिया लेकिन कोणार्क सन टेम्पल को किसने बनवाया था किसने बनवाया था उन राजा का शासक का नाम बताए नरसिंह देव प्रथम वेरी गुड तो ये थे आपके नरसिंह देव प्रथम अर्ली जो आपका ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के राजा थे उन्होंने बनवाया था नरसिंह वर्मन देव प्रथम है, है ना वर्मन नहीं आएगा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था कि नरसिंहदेव प्रथम ने जो है इसका निर्माण कराया था याद रखिएगा कोणार्क सूर्य टेम्पल का ठीक है पेपर में पूछा जाता है किसने कराया था तो आपको पता होना चाहिए मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है आप जानते हैं मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु भगवान जगन्नाथ पुरी भी उड़ीसा में है आपके बृदेश्वर टेम्पल आपके तमिलनाडु तंजौर में है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे बीसवा तानसेन जो है आपका तानसेन समारोह आपका एक ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ इस टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ आपको बताना है कि तानसेन किसके जो है दरबार में थे ये बताइएगा है ना तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क क्वेश्चन कि तानसेन जो है आपके किसके दरबार में थे आंसर कीजिएगा इसके अलावा एक आपका तानसेन समारोह होता है क्या होता है तानसेन समारोह बताना कि तानसेन समारोह कौन आयोजित करा, कराता है किस राज्य में है ना तानसेन समारोह इसके बारे में बताइएगा इसके अलावा अगर मैं बात करूंगी कुछ एक आपको पॉइंट्स बताती हूँ अबाउट द करंट अफेयर है ना थोड़ी सी चीजें आपको बताती हूँ और कल से जो है कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी एक नए तरीके से नए तरीके से कैसे की देखो बहुत सारी चीजें होती हैं आप चिल्लाते हो करंट अफेयर करंट अफेयर तो मैं सोच रही थी कि रोज आपकी क्लास में एक रिविजन रखा जाए रिविजन एक करंट अफेयर का है ना करंट अफेयर का लाइक like, रिवीजन में क्या एक दिन हम कर लेते हैं सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह है ना अपॉइंटमेंट सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि इन व्यक्ति को इस संस्था का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया फिर एक क्लास में हम कर लेंगे आपके क्या भाई कोई भी स्कीम अगर आई थी स्कीम और राज्य किस राज्य ने एक में हम अगर कोई नए आपके नेशनल पार्क वगैरह या कोई आपका म्यूजियम बनना है कहा बनेगा एक क्लास में उनको रख लेते हैं इस प्रकार से आपके एग्जाम तक पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो रि� जाएगा तो बाकी आप बता देना कि आइडिया कैसा है अच्छा है बुरा है ठीक तो 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 है जहां तक बात है आपकी कोई स्पेशल क्लास की तो उसके लिए प्लानिंग चल रही है तो जैसा भी होता है आजकल में आपको पता चल जाएगा डिफेंस वॉरियर ना कभी चूका है ना कभी चूकेगा सिक्स नाइनटी फाइव के हो गए छ सौ पिचानवे के पाँच हजार बच्चे दूर है वैसे तो पांच हजार ये तुम्हारे लिए चैलेंज है तुम कल पूरा करते हो या परसों पूरा करते हो तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है सब कुछ बहुत आसान है है ना चीजें बहुत आसान है कुछ भी मुश्किल नहीं है तुम उधर से मेहनत करो हम इधर से करते हैं तुम उसे ज्यादा करते हैं तुम उठते नहीं हो तुम्हें हम उठाते हैं कि सात बजे उठ के और शाम के छह बजे तक मैराथन क्लास लेनी है तो वो डिफेंस वॉरियर के टीचर्स करवाते हैं तब तुम करते हो अपनी मर्जी से पढ़ने नहीं बैठोगे कि आज मुझे दस घंटे पढ़ना है वो टीचर तुम्हें लेके बैठता तब तुम पढ़ते हो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो तो अब वक्त आ गया है एकदम कुछ क्रांतिकारी चीजें करने का तो मैं तो इसको सेवन टन होते हुए देखना चाहती हूँ और पूरा आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा अच्छे से तो जल्द से जल्द जल जो है इसको सेवन हंड्रेड के ये हो जाए और क्या ही बोलू तो बाकी कुछ भी है जो टॉपिक्स रहते हैं उनके नाम बता देना कौन कौन से रहते हैं है, है ना क्लास कैसी लगी ये बता देना सीएम गवर्नर भी करा दूंगी सब कुछ रिवाइज करा दूंगी टेंशन मत लो है ना बिल्कुल तो हर साल दिसंबर में बिल्कुल आपको जो है करा दिया जाएगा सब कुछ चलिएगा तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए क्लास को लाइक और शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है और चलो तो सूर्य भगवान ने निर्माण कराया था कोई बात नहीं आपकी छः बजे शाम को इंडियन कोस्ट गार्ड की क्लासेस है उसमें जरूर आइएगा उसमें मिलते हैं मैराथन लाएंगे बिल्कुल लगाएंगे है ना रौनक जी बिल्कुल चलेगा तो मिलते हैं शाम को छह बजे यहीं पर एग्जामपुर डिफेंस मैरिज में थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर